everyone, this is your educator Kusum Goyal and I welcome you all on our YouTube channel. In this video, we are going to see top 5 idioms that you should know. So my first idiom is piece of cake. अब आपको क्या लग रहा है piece of cake से कि हम क्या किसी केक के मतलब या पेस्ट्री वगैरह की बात कर रहे हैं क्या या केक की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं. इसका मतलब होता है कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो विच इज एब्सोल्युटली इजी, जो कि बहुत ज्यादा इजी चीज है. ठीक है, अब देखो, मैं ना आपको इनके साथ में ना एक एक ट्रिक भी बताती रहूंगी जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे. अब बताओ, केक खाना हम सबको इजी लगता है ना, मतलब इट इज वेरी सॉफ्ट है ना. अगर मैं आपको कोई और चीज दूं कि मतलब यू नो आपको खाना है तो आपको उसमें शायद मेहनत करनी पड़े, उसको ज्यादा च्यू करना पड़े. लेकिन केक को खाना क्या होता है, इजी होता है ना. तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि पीस ऑफ केक मतलब कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो विच इज वेरी 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 इजी. तो इससे एक सेंटेंस देखते हैं हम. हाँ, that assignment was really a piece of cake. So वो assignment मतलब बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा easy था. So that assignment was really a piece of cake. अब आपको भी एक sentence बना के लिखना है boss in the comment section box. ठीक है, so ये आपको समझ में आया कि अगर आप जब भी किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जो आपको लगता है कि बहुत ही easy सा task है, तो फिर आप use करोगे piece of cake. सो बेसिकली आप देखो, यहाँ पे ना बच्चे थोड़ा सेंटेंस बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं आपको बता दूं, आप ये पूरा वेरी इजी टास्क के लिए यूज करोगे पीस ऑफ केक. ठीक है ना, बच्चों को थोड़ा रहता है कि मैम सेंटेंस में कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा. सो जहाँ पे आपका पहले आप लिख के देखो नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है, जिसमें आप यूज कर रहे हो वेरी इजी टास्क. फिर जहाँ वेरी इजी टास्क आ रहा है उसको हटा दो, ठीक है, उसकी जगह पे लिख लो अ पीस ऑफ केक. सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन, है ना. चलते अपनी नेक्स्ट एडियम की तरफ. एंड आवर नेक्स्ट एडियम इज कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग. सो कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज की कीमत है ना, एंड आर्म एंड अ लेग, है ना. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आर्म या लेग की कीमत देनी है, ठीक है, आपको इनको सेल आउट करना है या कुछ है, ऐसा कुछ है. ठीक है, देखो, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब होता है कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो विच इज वेरी एक्सपेंसिव, है ना, विच इज वेरी एक्सपेंसिव. अब देखो, आप इसको याद कैसे करोगे इस idiom के थ्रू, मैं आपको बताती हूँ. कि देखो, हम कहते हैं ना जैसे, यार इसमें तो हमारी खून पसीने की कमाई जा रही है ना. जब हम कहते नहीं खून पसीने की कमाई जा रही है, तो हम क्या कहते हैं कि यार ये जो चीज है मतलब बहुत ही हमने इसमें मेहनत की है, ऐसे ही इसमें हमारी ना आम और लेग की कीमत लग रही है. ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो कि समथिंग इज लाइक वेरी एक्सपेंसिव, यार मतलब हमें ये चीज कैसे मिल रही है ना, बहुत ज्यादा पैसा देके मिल रही है. इसमें तो मतलब हमारा आर्म चला जाए, लेग चला जाए. हम जैसे कहते नहीं कि यार किडनी बेच के आईफोन लाएंगे, है ना. सो ऐसे आर्म और लेग को लगा के आपकी कोई चीज आ रही है, तो दैट मीन्स इट इज वेरी 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 एक्सपेंसिव. तो मैं ये आपको छोटे छोटे फनी चीजें क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको idiom याद हो सके, ठीक है ना. क्योंकि हमारे पास आपको बताया ना बहुत लंबी लिस्ट होती है idioms की. सो आप अगर हर idiom में ऐसे कोई स्टोरी निकाल के याद करोगे ना, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू. सो अब देखते हैं इसके थ्रू वन सेंटेंस. राहुल, आई रियली वॉन्ट दैट कार. तो अपन को वो कार सच्ची में बहुत पसंद है, अपन को चाहिए, बट इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. बट यार ये गाड़ी जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है. आई डोंट थिंक आई शुड गेट इट फॉर नाउ. मुझे नहीं लगता मुझे अभी ये गाड़ी लेनी चाहिए. सो इस तरीके से आप अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग दिस idiom. इट्स अ पीस ऑफ केक, है ना. इट्स अ पीस ऑफ केक टू मेक अ सेंटेंस. तो बिल्कुल बहुत ज्यादा पीस ऑफ केक है, मतलब अभी मैंने बताया था ना आपको, वेरी इजी है. ठीक है, सो आई होप ये सेकेंड idiom भी आपको हमारा क्लियर हो गया होगा. एंड यस, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी एक सेंटेंस बना के लिखना है इन द कमेंट सेक्शन यूजिंग दिस idiom. चलते हैं हमारे थर्ड idiom की तरफ. लेट्स सी आवर थर्ड idiom. हिट द हे. आपको ऐसा लग रहा है मैम किसी को मारने की बात कर रही है? नहीं, हिट द हे का मतलब होता है, ओ सॉरी, इट मींस go to bed.
ठीक है, व्हेन यू आर रियली वेरी टायर्ड, आप फिर क्या मतलब सोने के लिए जाते हो, तो गो टू बेड को हम कहते हैं हिट द हे। हे मतलब आपको पता ही होगा ना कि क्या होता है, मतलब ऐसा जो वो भूसा टाइप सा होता है ना। सो देखो इसको भी याद करने का तरीका मैं बताती हूँ। हे आपने देखा ही होगा। अब हे को मारना मतलब कि आप हे पे मतलब ऐसे जाके पड़ जाओगे, और हम ऐसे जाके कहाँ पे पढ़ते हैं, हम ऐसे जाके सीधा पलंग पे पढ़ते हैं, है ना। सो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। हे आपने देखा ही होगा ना, मेरे ख्याल से वो भूसा टाइप सा होता है, आपने देखा भी होगा कुछ मूवीज में जहाँ जगह नहीं मिलती सोने की ना, मतलब ऐसा फिर वो कोई पुरानी सी जगह ढूंढते हैं, यू नो, है ना, फिर वहां पे मतलब भूसा भूसा होता है, उसी के ऊपर वो अपना बेड बना के सो जाते हैं। देखा होगा, देखते ही नहीं हो तुम, बोरिंग बच्चे। चलो ठीक है, तो हिट द हे मतलब हे को मारना मतलब बेड को मारना, बेड को मारना मतलब बेड पे जाके सोना। ठीक है, अब इससे एक सेंटेंस देखते हैं। सॉरी गाइस, आई हैव टू हिट द हे नाउ। ठीक है, आई हैव टू हिट द हे नाउ मतलब आई हैव टू गो टू बेड नाउ। तो कल बातें करेंगे जो बातें करनी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो भी खत्म नहीं हुई है और idioms आपके बाकी है। सो अब आपको पता ही है क्या करना है इस idiom को सीखने के बाद, आपको लिखना है इनसे एक सेंटेंस इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स। नाउ लेट्स सी आवर idiom नंबर 4, अप इन द एयर। अप इन द एयर मतलब हवा में होना कोई चीज, मतलब कि आपने जो कोई चीज पहले से डिसाइडेड कर रखी थी वो स्टिल अभी भी उतनी डिसाइडेड नहीं है, अभी भी वो क्या है, अनप्लान्ड, अनडिसाइडेड है। मतलब हम अनप्लान्ड चीज के बारे में नहीं, सिर्फ आपने पहले से कोई चीज डिसाइड कर रखी थी कि जैसे मान लो हम जाएंगे वाटर पार्क, ठीक है, वी विल गो टू वाटर पार्क, हमने ऐसा डिसाइड कर लिया, बट अभी भी इसका प्लान श्योर नहीं है। ये तो आपने देखा ही होगा दोस्तों के बीच में बहुत होता है, पहले प्लान बना लेते हैं, है ना, फिर उसकी कोई श्योरिटी हमारे पास होती नहीं है, फिर बस अगले हफ्ते जैसे बोल दिया, आज बोल दिया, आज संडे है, आज मंडे, ठीक है, मंडे है, अब बोल दिया कि अगले संडे को यार चलेंगे वाटर पार्क, है ना, और फिर अगले संडे तक व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहा हो यार चलना है ना, चलना है ना, चलना है ना, क्या है प्लान, क्या है सीन, मतलब प्लान तो बन गया है बट स्टिल इट इज अनप्लान्ड। तो ऐसे चीजों के लिए आप कहते हो अप इन द एयर। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपसे किसी ने पूछा ये डिड यू एवर फिगर आउट दोस प्लान्स, तो आपने उन प्लान्स के बारे में कुछ सोचा, फिर तो आपने कहा नो दे आर स्टिल अप इन द एयर फॉर नाउ, अभी तो वो अभी भी मतलब अनप्लान्ड ही है, अभी भी अनडिसाइडेड ही है। ठीक है, we will figure everything out later, तो हम जो सारी चीजें figure out करेंगे सारी चीजें बाद में कभी देखते हैं कि कब चलना है, ठीक है, अभी तो मतलब ऐसा कुछ fixed नहीं है। okay, so ये बिल्कुल भी difficult नहीं है। up in the air मतलब जैसे चीजें हवा में रहती है ना, मतलब आपकी मुट्ठी में नहीं है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो चीजें हमारी मुट्ठी में है वो तो हमारी डिसाइडेड है कि हमें ये चीज करनी ही है, अभी जो चीज हवा में है दैट मीन्स हमारी मुट्ठी में नहीं है, मतलब हमारे काबू में नहीं है, मतलब अनप्लान्ड बिल्कुल ही चेंज हो सकती है, या मतलब कुछ भी उनका अता पता नहीं है। ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, हम कभी कभी ऐसे नहीं बोलते यार हवा में बोल रहे हो ना तुम, कोई प्रूफ तो होगा नहीं तुम्हारे पास, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला idiom भी क्लियर है और आपको पता है आपको क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बना के लिखना है। चलते हमारे लास्ट idiom की तरफ, एंड लास्ट idiom इज stabbed in the back। देखो अब stabbed in the back मतलब क्या, जैसे बोलते हैं ना पीछे से छुरा डालना, है ना, कि तुम पीछे से वार करते हो, है ज्यादा अच्छे हो तुम, ज्यादा इतने ही महान हो तो आगे आके वार करो, है ना, पीछे से वार क्यों किया। सो ये एक्चुअली थोड़ा बहुत वैसा ही है। stabbed in the back का मतलब होता है कि आप किसी को धोखा देते हो, ठीक है, मतलब आपको किसी ने धोखा दिया है, बिट्रे किया है, वो मतलब होता है इसका। ठीक है, जैसे कि ये तो हिंदी वाला ही यार, आप समझ जाओगे। आई डोंट वॉन्ट टू बी हेलेस फ्रेंड एनी मोर, अब मैं हेले की फ्रेंड बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ, बिकॉज शी स्टैप्ड मी इन द बैक, क्योंकि उसने मुझे क्या किया है, बैक में स्टैप किया है, मतलब उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे चीट किया है, उसने मुझे बिट्रे किया है। ठीक है, स्टैप्ड इन द बैक मतलब टू चीट। ओके, क्लियर है, लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा ना आपको। अब आपको पता ही आपको क्या करना है, है आपको मैम को नहीं स्टैप करना इन द बैक, ठीक ना, मैम को कोई धोखा नहीं देना, चुपचाप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखने हैं
हाँ एक एक idiom से, ये पांच idioms हमने पढ़े हैं, so that means in the comment section there shall be five sentences from you guys, पांच sentences आपको लिखने हैं, ताकि देखो यार बच्चे अगर आप जब तक सेंटेंस नहीं लिखोगे ना तब तक बेटा कुछ नहीं होगा, सो यू हैव टू राइट सेंटेंसेस, तभी प्रैक्टिस होगी तभी लर्निंग होगी, वरना ऐसे क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो अगर आपको इसी तरीके से सारे टॉपिक करने हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, ठीक है, तो हमारा इंग्लिश का नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ग्रामर और लिटरेचर। सो मैम इसमें आपको लिटरेचर के चैप्टर्स भी करवा रही है, एनसीईआरटी बेस्ड होगा ये, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स हम करेंगे, एडिशनल आपकी सप्लीमेंट्री है, मेन बुक है, जो दोनों है, ठीक है, और साथ में आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर, और इसके साथ में मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने एक नई चीज ऐड कर दी है, दैट इज राइटिंग के टॉपिक्स भी, जैसे फॉर्मल लेटर राइटिंग और ये सब, तो मतलब फुल सिलेबस कवरेज, आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा इस कोर्स में। आप एनरोल कर सकते हैं, ये कोर्स आपको सिर्फ प्लस पे अवेलेबल होगा, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया है सो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, एंड KG31 कोड यूज करना मत भूलना, ठीक है, KG31, इससे आपको अनअकैडमी पे मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड जब आप ये कोड लगाओगे तो आपको बीच में कोई गैप या कोई स्पेस बार का बटन नहीं दबाना है, ठीक है, सो एकदम चिपका चिपका के लिखना है KG31, ठीक है। इसके साथ साथ में वी हैव उत्कर्ष बैच, ऑल सब्जेक्ट 2023-24 बैच, ठीक है, इसमें आपको मिलेगी 500 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस, जिसमें आपका पूरा सिलेबस बाय दिसंबर वाले महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। डाउट क्लियरिंग आपको सेशंस मिलेंगे, मतलब काफी इंटरेक्टिव सेशंस रहते हैं। अच्छा डाउट क्लियरिंग सेशंस में क्या होता है, आप बोल भी पाते हो, मतलब जैसे आप यूट्यूब की क्लास में आप बोल तो नहीं पा रहे, लेकिन इन क्लासेस में आप मैम को कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हो, आपको लिखने का झंझट ही नहीं है। क्लास के बने हुए नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी आफ्टर द क्लास, सो आप ये प्लस का सब्सक्रिप्शन लो जल्दी से जल्दी, ताकि आप सारी क्लासेस लाइव अटेंड कर सको। देखो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, लेकिन जो मजा लाइफ में है ना, लाइफ की लाइव में है या लाइफ की लाइफ में है, वो रिकॉर्डिंग में नहीं है, है ना, बट या रिकॉर्डिंग्स विल बी देयर, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस होती है आपको दुख ना हो कि यार इस सब्जेक्ट की छूट गई उस सब्जेक्ट की छूट गई, मिल जाएगी। और इंग्लिश के लिए आपको पता ही है आपकी एडुकेटर कौन सी है, कुसुम वर्मा, दैट्स मी। ओके नेक्स्ट अपन चलते हैं, मैंने आपको बता ही दिया KG31 कोड आप अनअकैडमी पे कहीं भी यूज करते हो, अनअकैडमी आप डाउनलोड करते ही, अनअकैडमी आपको जहां बोले कोड लगाने, जैसे अगर आपको पहले फ्री क्लास करनी है, फ्री में टेस्ट देना, मैक्सिमम डिस्काउंट पाना है, फॉर एवरीथिंग यू कैन अप्लाई द कोड KG31। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट ऑल द सेंटेंसेस यूजिंग 5 idioms. Thank you so much for watching this video. Ta-da, everyone. Take care. Bye-bye. I love you so much.